हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और बहुत दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अभी मैं कुछ कितना 5-6 दिन से मैं ठीक हूँ, लेकिन वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि एक होता ना, मतलब करीब 10-15 दिन से वीडियो नहीं बना रही थी। थोड़ा सा लग रहा था क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, कैमरा उठाने में भी थोड़ा सा मतलब लग रहा था कि क्या बनाऊं वीडियो अभी, क्योंकि एक होता है ना कि लिंक टूट जाता है तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। लेकिन मैं आज बहुत हिम्मत करके बोली कि नहीं, आज तो मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत दिनों से मैं नहीं बनाई हूँ, आप लोग से कोई संपर्क नहीं हो रहा है मेरा, तो अभी भी थोड़े बहुत गले में खड़ास है। लेकिन नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे वही कोल्ड कफ हो गया था वायरल, लेकिन बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा ही हो गया था कुछ तो। लेकिन अभी मैं फिलहाल एकदम ठीक हूँ, आप लोग के सामने एकदम परफेक्ट। और मैं बहुत खुश हूँ, एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी भी आप लोग के साथ शेयर करनी है, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी थोड़ी देर में। आप लोग एंड तक बने रहिएगा, वीडियो देखिएगा। और आज मुझे थोड़ा मार्केट भी जाना है, अकेले ही जाऊँगी क्योंकि इनका तो ऑफिस है। और आप लोग एक चीज़ भी दिखाती हूँ, इतने सारे कपड़े, थैले, सब ये क्यों रखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि अभी मुझे ये सब पैक करना है, पैकिंग करनी है मुझे इन सभी चीजों की। यहाँ पर मैंने बैग भी निकाल के रखा हुआ है। तो हाँ, हम लोग कहीं जा रहे हैं तो उसकी अभी पूरी तैयारी करनी है। आज ही दिन है, कल हम लोग को अर्ली मॉर्निंग निकलना है, क्योंकि हम लोग की 7:50 में हम लोग की फ्लाइट है, तो अर्ली मॉर्निंग हमारे घर से कम एक घंटा लग जाता है एयरपोर्ट के लिए सांताक्रूज। तो अर्ली मॉर्निंग ही हम लोग को निकलना है, तो मुझे किसी भी तरह आज पूरा पैकिंग करना ही करना है, तो सारा पैकिंग करूंगी अभी। सब कुछ मैंने यहाँ पर रखा हुआ है आंखों के सामने, कुछ इधर उधर है तो आंखों के सामने रहेगा तो फटाफट से पैकिंग सब हो जाएगा। ये जाने की तैयारी है हम लोग की, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ अभी सुबह का, उसके बाद पहले नाश्ता वगैरह कर लूँ, क्योंकि अभी करीब 9 बजने वाला है सुबह का। 9 बज गया ना, हाँ 9 बज चुका है। तो पहले मैं जाती हूँ, थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मेडिसिन भी लेनी होती है, तो इसलिए नाश्ता वगैरह करना होता है जल्दी। चलिए मैं बताती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं थोड़ी देर में, बस थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट डे का है, सुबह सुबह हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए, करीब 5:20 हो रहा है और हम सब लोग निकल चुके हैं, टैक्सी में हम लोग बैठे हुए हैं और बारिश भी बहुत जम के हो रही थी। और ये क्लिप है 9 अगस्त को, हम लोग जा रहे हैं। और हाँ, अभी मैं बता देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वैसे तो स्टार्टिंग में मैंने बता ही दिया है, लेकिन मैं अभी फिर बता देती हूँ कि यहाँ मुंबई से हम लोग रांची जा रहे हैं, और रांची से फिर हम लोग हजारीबाग जाएंगे। हजारीबाग में मेरा सबसे छोटा वाला भाई रहता है, तो मेरी सबसे छोटी वाली भाभी को बेबी गर्ल हुई है, मैं वापस से बुआ बन गई हूँ। और तो आज ही के दिन, मतलब 9 तारीख को छठी सेरेमनी है, और हमारे यहाँ काजल बुआ करती है और मैं बुआ हूँ, तो मेरा जाना तो बनता ही है। तो बस हम लोग सब लोग अभी निकल चुके हैं और दोपहर करीब 2 बजे तक हम लोग हजारीबाग पहुंच जाएंगे। 7:50 की फ़्लाइट है, तो करीब 10:30 तक हम लोग रांची पहुंचेंगे। रांची से करीब 2 घंटा लगता है, 2-2.5 घंटा लगेगा, तो वहां से फिर हम लोग हजारीबाग जाएंगे। तो यहां पर देखिए, हम लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और गाड़ी से सारा सामान निकाल रहे हैं। बारिश भी अच्छी खासी हो रही है, और अभी करीब 6:30 का टाइम हो रहा है और हम लोग एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। तो बस अब हम लोग अंदर जाएंगे और इसके बाद बस हम लोग आगे का क्लिप दिखाएंगे आप लोग को। और यहाँ देखिए, हम लोग सब लोग उतर चुके हैं और बस अभी सामान रखेंगे ट्रॉली में, और आगे फिर चेकिंग वगैरह होगा और उसके बाद फिर हम लोग अंदर जाएंगे।
उनकी बैठी हैं, उनकी बस भी अभी आ रही है। चौक पड़ रहा है यहाँ पर। अच्छा, पता नहीं था यानी कल फिरायालाल, हमको याद है कि फिरायालाल, बस हम लोग को तो वही पुराना में वही याद है फिरायालाल क्या चौक है। अच्छा चौक में है, मुझे लगा कुछ शॉप का नाम है क्या। हाँ हाँ शॉप ही है, मिठाई या कपड़े का। कपड़े का। आप सोच रहे कि हम ही दोनों क्यों दिख रहे हैं, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे हैं दूसरी गाड़ी में, भाई आए हैं और हम लोग हैं कमल जी की गाड़ी। पीछे पीछे आ रहा है ना, बच्चे की गाड़ी पीछे आ रही है, तो हम लोग जा रहे हैं बस थोड़ी देर के लिए, उसके बाद भाभी जी से मिल के हम लोग निकल, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं हजारीबाग। हजारीबाग यहाँ से दो घंटा भी लगेगा। अच्छा जल्दी पहुँच जाएंगे, आज ही फंक्शन है ना, इसके लिए थोड़ा तो फ्रेंड्स अभी हम लोग रांची में ही हैं। रांची एयरपोर्ट पहुंचते ही मेरा भाई भी आ गया था बंटी, और मनोज जी के एक फ्रेंड हैं बचपन के फ्रेंड, वो भी रांची में ही रहते हैं, वो आ गए थे हम लोग को लेने अपने घर के लिए कि चलो थोड़ी देर मेरे घर आप लोग हो लीजिए, भाभी जी से मिल लीजिए, उसके बाद आप लोग जाइएगा। तो वो एयरपोर्ट पे आ गए थे अपनी गाड़ी लेकर, और जिद करने लगे कि नहीं चलिए चलिए आप लोग थोड़ी देर के लिए ही हमारे घर चलिए। तो बस अभी हम सब लोग वही रंजन जी के फ्रेंड के घर आ गए हैं, नाश्ता कर रहे हैं हम लोग अभी। जब आप लोग की याद आएगी फोन रिकॉर्डिंग देखूंगी, तो खाली प्लेट दिखा रहा हूं वो। हां इससे बढ़ते हैं पूरा फिनिश करना पड़ेगा, खाना खाने के बाद लगेगी। और सच में बहुत मजा आया फ्रेंड, सबने बहुत मस्ती की, रंजन जी भी बहुत मस्ती किए फ्रेंड से मिलके, और सच में बहुत अच्छा लगा। और सबने अपने और इन्होंने अपना घर भी दिखाया, ये बहू है उनकी, बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट है, हम लोग पहली बार मिले इनसे,
और पूरा घर भी घूम घूम के दिखा रही थी। बहुत सुंदर घर है, काफ़ी बड़ा है और बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे से मैनेज करके रखा हुआ है इन्होंने अपना घर। और एक प्यारा सा छोटा सा डॉगी भी है जो काफ़ी क्यूट है, लेकिन हम लोग को थोड़ा डर लगता है तो उसको बांधे हुए थे लोग, लेकिन ये देखिए काफ़ी प्यारा है। बच्चे बहुत डर रहे थे तो उसको बांध के रखा हुआ था कि ये हम लोग के पास ना आए। तो सच में बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। थोड़ी ही देर, करीब एक घंटा हम लोग रुके, क्योंकि हम लोग को वापस से हजारीबाग जाना था तो टाइम नहीं था, तो बस इसके लिए हम लोग थोड़ी देर ही रुके। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो रहेंगे, तो अभी इतना ही। बहुत मज़ा आया और भाभी जी ने सच में इडली सांभर बहुत अच्छा बनाया था। हम लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग चले थे तो कुछ खाए नहीं थे, हाँ फ्लाइट में नाश्ता करे थे हम लोग, लेकिन घर पहुंच के यहाँ भाभी जी ने बहुत ही अच्छा इडली सांभर बनाया था। हम लोग ने भरपेट खाया और बहुत मज़ा आया, बच्चों को भी बहुत पसंद आया, वो लोग काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे और सच में अच्छा बना भी था, ऐसी तारीफ़ नहीं कर रहे थे, सच में बहुत अच्छा बनाई थी। तो बस अब हम लोग निकल रहे हैं वहाँ से। चलिए बहुत अच्छा लगा, मस्त रहा, बाय। हाँ फिर बहुत बिल्कुल, बाय बाय। कितना अभी हम लोग एक यहाँ ढाबा में आए हैं, नानक ढाबा, रांची और हजारीबाग हाईवे पे मिलता है नानक ढाबा। यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं। वैसे तो फ्रेंड के यहाँ भी खाए थे हम लोग इडली, खाए थे, बहुत अच्छा बना था इडली, बहुत अच्छा बनाया था भाभी जी ने, बहुत मज़ा आया खा के। लेकिन यहाँ भी आके लोग को मन किया कुछ खाने का, तो हमारे साथ जो हमारे ड्राइवर भाई हैं उन्होंने बोला कि यहाँ पर अच्छा मिलता है, चलो। वैसे तो मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है, मेरा बिल्कुल मन नहीं है कुछ भी खाने का, मैं नहीं खाऊंगी, मेरा पेट भरा हुआ है। चिंकी तुम खाएगी? सोचती नहीं, अभी ऑर्डर देना है, फिर लेट हो जाएगा ज़्यादा, बारिश हो रही है बहुत यहाँ। आप एक लीजिए, उसी में हम लोग खा लेंगे, हमको मन नहीं खाने का। चिंकी भी कुछ ऐसा नहीं बोल रही है। ये आया है मसाला डोसा, मसाला में देखो, मसाला मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा है, पूरा ही डोसा है। चलो अच्छा है, सादा डोसा है। और ये है सांभर, चटनी, और ये चटनी, सब लोग मिलजुल के खाते हैं। चलिए खाया जाए, उधर भैया खा रहे हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पर करीब 2 बज रहा होगा, हम लोग यहाँ पहुँचे थे, ये करीब रामगढ़ के पास है। तो यहाँ पर हम लोग 5 लोग मिल के 2 डोसा आया था, किसी को उतना मन नहीं था लेकिन ड्राइवर भैया को खाना था। वैसे वो भी वहाँ पर मैंने फ्रेंड के यहाँ इडली खाए थे लेकिन उनको और खाना था, तो उन्होंने यहाँ रुका था, बोले तो यहाँ अच्छा मिलता है कुछ खाना हो ना, तो कुछ आप लोग को भी खाना है तो खा लीजिए। तो हम लोग भी आए थे तो सोचे चलो देखते हैं, हम लोग भी ट्राई करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने डोसा खाया और बस, उसके बाद किसी को ज़्यादा मन नहीं था तो और कोई कुछ भी नहीं खाया, तो वो 2 डोसा भी किसी तरह करके ख़त्म हुआ। हम और चिंकी तो बस 2-4 चम्मच ही खाएं और उसके बाद बस हम लोग बोले कि अब हम लोग नहीं खाएंगे। तो बंटी मेरा भाई और ध्रुव मिलकर ही पूरा डोसा को ख़त्म कर पाए, नहीं तो ख़त्म भी नहीं हुआ था, थोड़ा बच ही गया था क्योंकि मन नहीं था किसी को खाने का। तो फिर खाना पीना होने के बाद थोड़ा फ़ोटो सेशन हुआ और फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़े हजारीबाग के लिए। और करीब हम लोग 3:30 बजे हम लोग हजारीबाग पहुंच चुके थे। यहाँ हम लोग 2 बजे रुके थे जहाँ भी खाने के लिए, वहाँ से 1.5 घंटा और लगा, तो 3:30 में हम लोग फाइनली हजारीबाग पहुंच गए। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है तो इसको अभी यहीं रोकते हैं, आगे लेकिन ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा। तो आगे आने वाले दिनों में इसी वीडियो को कंटिन्यू करूंगी, छठी, रक्षाबंधन और पटना सबका ब्लॉग में शेयर करूंगी आप लोग के साथ। तो बने रहिएगा हमारे साथ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो कंटिन्यू करते हुए।